सब गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आप लोग को हम बताने वाले हैं हमारे बिहार में धान की खेती कैसे किया जाता है, यानी कि चावल की खेती कैसे किया जाता है। हमारे बिहार में बहुत अधिक मात्रा में धान यानी कि चावल की खेती बहुत ज़्यादा ही होता है। और मेरा किसान भाई से आप लोग को दिखा रहे, किसान भाई अभी धान में पानी पटा रहा है। तो भाई इसमें अभी चावल कब तक में फरेगा? फिर भी 15 से 20 दिन में आ जाएगा। आ जाए बोलिए ना कुछ, आ जाए। तो गाइस देख सकते हैं ये है धान का पौधा यानी कि चावल का पौधा है। और हम किसान भाई से पूछें तो कुछ बताया नहीं। और देख सकते हैं धान का पौधा कितना हरा भरा है गाइस देखने में, और कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस इसमें 15 से 20 दिन में चावल हो जाएगा। हमारे अनुभव से लगता है कि इसमें 15 से 20 दिन के अंदर में चावल हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को जब चावल हो जाएगा तो गाइस आप लोग को हम जरूर दिखाएंगे वीडियो में। तो चलिए, हमारे बिहार में अधिकतर मात्रा में चावल उगाया ही जाता है, और चावल ही नहीं तो गाइस मक्का भी उगाया जाता है बहुत ज्यादा ही अधिक मात्रा में। तो चलिए वीडियो को। सो गाइस देख सकते हैं किसान भाई फाइनली हमको मिल चुका है, तो ये बताएगा हमारे बिहार में धान का खेती कैसे किया जाता है और कैसे लगाया जाता है पौधा, और चावल कैसे होता है। तो बताइएगा इस ये पौधा जो लगा हुआ है अभी, इसको उगाने के लिए कितना दिन चाहिए चावल होने के लिए? कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा ही, ऐसा होता है? आप लोग किसान है यहाँ का? ओ, कितना दिन में चावल हो जाता है? हो जाएगा वो 2 महीना और लगेगा तब ने। 2 महीना और तब? ओ, 5 महीना लगता है कि है धान है कि मकई है, 5 महीना तो लग ये जाता है। 5 महीना लग जाता है? नहीं लगता है, आराम से लगता है, आराम से। ओ, तो चलिए आप कितना बीघा खेती कर लेते हैं? आप कितना करेंगे जो शक्ति होगा वही करेंगे, 2-3। आप लोग गरीब है ना? तो आप लोग को कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलता है? कुछ मदद मिलता है। तो इधर बाहर पानी भी आता है क्या आप लोग का? इधर धान उन में आ रहा है क्या? सब दाहिए गिरे। ओ, तो सरकार कुछ भी मदद नहीं करता है? कुछ भी नहीं, नहीं तो करना चाहिए ना, आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन कर फोटो खींचे के लिए कुछ नहीं किया। तो पैसा वैसा मिलता होगा फिर भी? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। तो चलिए ये वीडियो जाएगा सरकार के पास। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, और आप लोग समझते नहीं गाइस, ऐसे ही वीडियो देख के भाग जाते हो और वीडियो को आधे देख के स्किप कर देते हो। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करें हम लोग को भी, हम लोग को नहीं गाइस सॉरी, हमें भी सपोर्ट करें, जितना भी यूट्यूबर है सबको सपोर्ट करें गाइस, हम तो यही चाहते हैं। और हमारा बिहार आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।